तो दोस्तों टिक्किया वगैरह हम नैनीताल में ही खाया करते थे और यहाँ भी गोलू भाई की देखा कि टिक्की वगैरह हो गया था मेरा, तो प्रोग्राम बन नहीं रहा था लेकिन फिर भी वो मेरे फोन आ रहे थे इधर उधर से, तुम जा नहीं रहो बना की बात है कि मनी अभी हमने गिनी नहीं है, आराम से गिनना आराम से गिनना, ठीक है तो चलते हैं। तो दोस्तों लेकर के चलता हूँ मैं आपको आगे को और उधर देखते हैं कि आगे क्या हो। सती जी ठीक है? अच्छा सती जी भी लाए हैं दोस्तों, बाराखाम में दिखाया था हमने बड़ पहाड़ की जो दाल सब्जियाँ वगैरह होती है, ये सारे जो हमारे पहाड़ के जो मोटे अनाज वगैरह होते हैं उनको भी ये दिल्ली में जो है दिल्ली में और इधर उधर दूर दूर तक जाते हैं मेलों। तो दोस्तों बहुत मन कर रहा है उनका। हेलो हेलो ये बिट्टू भाई मिल गए हमारे। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज है 23 मई 2024 और इस वक्त मैं हूँ बिल्केश्वर महादेव मंदिर जालली में बहुचौर मेले में। तो दोस्तों मेरे पास आजकल वक्त नहीं है मकान के चक्कर में, लेकिन मेरे व्यूवर्स के दर्शकों के स्पेशल आग्रह पर मैं यहाँ पर आया हूँ उनके लिए वीडियो बनाने के लिए। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। अच्छा हाँ अभी तो हमारे भी शुरुआती है समझो। जय हो, जय हो साहब, जय हो, ठीक हो, सब बढ़िया हैं और सब ठीक ठाक हो रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही चल रहा है। अच्छा आज जालली बगचौरा मेले में आ गए? हाँ हमने कहा जरा देख आते हैं फिर। बहुत अच्छा करा आपने, बहुत अच्छा। हाँ लोगों का हो रहा था जरा काम था तो लेट हो गया, मैंने कहा फिर भी हो जाता हूँ थोड़ा तो होगा कुछ तो। हाँ ठीक ही हो रहा मेला इस बार, दुकान भी काफी आई है। हाँ वही तो इस बार काफी दिख रहा है, हाँ थोड़ा लेट हो गया बस। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर के पास में बहुचौर का, जिसको कौतिक कहते थे पहले, रात का लगता था लेकिन अब दिन का लग रहा है। तो इस पिछले साल से ये शुरू हुआ है और इस बार अभी थोड़ी जो दुकानें हैं ठीक ठाक लगी हुई हैं और कह रहे हैं कि आज कल भी यहाँ पर मार्केट रहेगी शायद, ऐसा लोगों का कहना है मैंने सुना था। तो अभी तो मैं मार्केट में हूँ, इधर जो लगी हुई है मार्केट इस रोड पर, और मैं चलता हूँ आपको लेकर के मंदिर की तरफ को। तो उधर देखते हैं कि उधर क्या चल रहा है और उधर क्या क्या है। मोहनदा को मोहनदा क्या हाल है? सही हाल है। तो मोहनदा भी मिल गए हैं और हमारे कुमाऊनी लोक गायक भी हैं और झोड़े चाचे वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी ये गाते हैं, लेकिन अब देखेंगे क्योंकि मौका नहीं मिल पा रहा है हमें उनसे बातचीत करने का। तो फिलहाल एक स्पेशल एपिसोड हम बनाएंगे उनके साथ भी कभी, और फिलहाल यहाँ पर आए मुलाकात हो गई है और हम अभी मैं जाता हूँ भी मंदिर की तरफ। हेलो हेलो ये
दिल्ली भेज दियो। तो ये है हमारे छोटे भाई हाँ, तो ये भी यहाँ पर मिल गए हैं। और मैं कल से आने की सोच रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं लगा, तो काम के चक्कर में बताया था, लेकिन अब जो है हाँ तो अब जो है मिले हैं और ये मिल गए हैं यहाँ पर। और तो चंप लेते हैं, अरे छोड़ो यार तुम लोग आ जाओ चंप ले। देखो दोस्तों पूरी जो है एनर्जी है भी उनके अंदर और पूरा इंजॉय कर रहे हो। और ये देखो ये आपकी बहू हाँ जी, चार तकिए एक सूपा लेके जल्दी कर दो। हाँ सही है बढ़िया है ठीक है ना, कल सुबह 10 बजे चले गए। अच्छा और इस समय भेजते दिल्ली वाला फोन रिसीव भेज रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ब्लॉग लगा खाने चाय पानी ना चाय ठीक है बहुत देखो ना टाइम ना कहीं जाऊँ इंदिरा टाइम है बस यहाँ लेते रहो ना सभी दे रहे हो। तो दोस्तों कल भी है कह रहे हैं हमारे पान सिंह जी कह रहे हैं कि कल को भी है प्रोग्राम, तो देखते हैं कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का है प्रोग्राम, तो आगे लेकर के चलता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों बहुत मन कर रहा है उनका। हेलो हेलो ये बिट्टू भाई मिल गए हमारे बिस्ट वीडियो जाली वाले। तुम्हारा चैनल का नाम चेंज हो गया क्या? बिस्ट वीडियो जाली वही है ना? हाँ बिस्ट वीडियो जाली। तो दोस्तों अभी तो चल रहा है, अभी ये शुरुआत ही है, कह रहे कि अगले वर्ष से और अभी भव्य इसको किया जाएगा धीरे धीरे। और इस बार पिछले बार से अभी इस बार में काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी चीज़ें आई हैं बाहर से भी, और मार्केट दुकानें वगैरह भी काफ़ी हैं, और बच्चों के खेलने वगैरह के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पर दिख रहा है ये। तो धीरे धीरे अगले साल से और बढ़ेगा अभी। तो दोस्तों लेकर के चलता हूँ मैं आपको आगे को, और उधर देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। हाँ जो लाइट और ये मिल गए हैं रिंकू बाबा भी मिल गए हैं। रिंकू बाबा कैसे हैं? कैसा चल रहा है? अच्छा ये बच्चिया ये कैसा है सॉफ्टी? सही है ठीक है। सॉफ्टी कैसी है? ठीक है बोलो। तो दोस्तों बच्चे हैं ज्यादा फरमाते हैं फिलहाल, तो आगे बढ़ते हैं। और उधर हमारे नेगी जी भी दिख रहे हैं, और नेगी जी ने लगा रखी है वहाँ पर कपड़ों की दुकान, तो वहाँ पर चलते हैं। नेगी जी हैं उधर, तो नेगी जी को दिखाते हैं हम। नेगी जी ने लगा रखी है पर ये, और अच्छा मोहनदा की भी दुकान लगी हुई है यहाँ पर। हो और साहब कैसे हैं? सती जी ठीक है? बढ़िया। अच्छा सती जी भी लाए हैं दोस्तों, बाराखाम में दिखाया था हमने बड़े के कौतिक में भी ये बिस्कुट वगैरह लेकर के आए थे, और आज भी लेकर के आए हैं। और ये मोहनदा का आइटम होगा इधर, और ये हैं हमारे बिशन सिंह नेगी जी। तो ये आए हैं दोस्तों, ये वैसे तो नोएडा में उधर करते हैं खोड़ा साइड में उधर भी रहते हैं, तो वहाँ भी ये जो है उत्तराखंड की चीज़ों को वहाँ पर बढ़ाते हैं और वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनका काम चलता है। जो मेले वगैरह होते हैं बाहर दूर दूर उसमें जाते हैं, तो उत्तराखंड से ये जो है आपको अपनी राजधानी में भी ये जाते हैं। और अभी क्योंकि मेले वगैरह लगते हैं जैसे प्रगति मैदान वगैरह में भी लगता है, तो वहाँ भी जाते हैं। बीच में मुंबई में भी इनका था प्रोग्राम जाने का, तो वो शायद इनका कैंसिल हो गया था मुंबई वाला। हाँ तो लेकिन जो हमारे पहाड़ की जो दाल सब्जियाँ वगैरह होती है, ये सारे जो हमारे पहाड़ के जो मोटे अनाज वगैरह होते हैं, उनको भी ये दिल्ली में जो है दिल्ली में और इधर उधर दूर दूर तक जाते हैं मेलों में, तो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और फिलहाल ये जो है अब जो है उत्तराखंड में भी आए हैं, तो उत्तराखंड में आए हैं ये कपड़े लेकर, क्योंकि यहाँ के दालें वगैरह तो इधर पता है ही सबको। तो नेगी जी कैसा चल रहा है? बस ठीक ही चल रहा है फिलहाल। और दिल्ली वगैरह से लेकर के यहाँ का अनुभव कैसा लग रहा है आपको? यहाँ वही है मार्केट का हिसाब, अभी तो हम नए नए आए हैं यहाँ, यही मांगते हैं 100 की रेंज में, मतलब कि चीज नहीं देखते हैं, मतलब कि यह है कि 100 रुपये में है कोई चीज। अच्छा हर माल 100 रुपये में दे दिए जाए। और हमारे बीरेन सिंह मेहता जी मेहरा जी भी आ गए हैं, और चाय वगैरह लेकर के आए हैं वो, और तो वो नहीं थैंक यू। और मेहरा जी भी हमारे अक्सर जाते रहते हैं, जो पहाड़ में मेले होते जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ जाते रहते हैं,
अच्छा, तो मतलब हर माल उनको 100 रुपए में चाहिए? 100 रुपए में चाहिए। क्वालिटी का वो नहीं है? बस क्वालिटी नहीं है, मतलब क्वालिटी वही जानता है, जो ले जाता है वही जानता है क्वालिटी। हाँ, ये है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दोस्तों, अच्छा हुआ नेगी जी से भी मुलाकात हो गई है और मैं भी आपको और आगे ले करके चलता हूँ। तो नेगी जी ठीक है, तो इसके बाद में मतलब अभी 11 तारीख से कह रहे थे कि बिनसर महादेव में भी, तो वहाँ भी जाएंगे आप? जाएंगे जाएंगे, वहीं मिलेंगे आप। हाँ, तो दोस्तों आप बिशन सिंह नेगी जी ने पहाड़ों में भी शुरू किया है अपना मेले वगैरह को, जो है ये जा रहे तो हर जगह उसको जो है अपना माल लेकर के वहाँ जाते हैं। मासी जो है सोमनाथ में भी गए थे। हाँ, मासी सोमनाथ में भी ये गए थे। तो दोस्तों अच्छा है, अपने पहाड़ों में घूमो और इधर के पहाड़ों के मेले वगैरह भी देख लेते हैं, और पहाड़ों में अलग अलग लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, तो इसी बहाने सारे मेले भी देखे जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काम का नहीं है कि काम नहीं है, ऐसा नहीं है, बस करने वाले चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं मिलते हैं, ओके। तो दोस्तों लगा करके आते हैं आगे तक राउंड, अभी देखते हैं कि अभी, क्योंकि मेला तो वैसे तो हो गया है पूरा, जो प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मार्केट अभी जो है लगी हुई है। आप क्या क्या है देखते हैं, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, जरा होकर आता हूँ घर तक का। तो दोस्तों पैकिंग होने लगी है धीरे धीरे करके, लेकिन दुकानें काफ़ी इस बार हैं यहाँ पर, और अगले साल से शायद थोड़ा और ज़्यादा दुकानें यहाँ पर होंगी। तो सारे लोग अभी बैठे हुए इंतज़ार में, कल को और लगेगी मार्केट। अभी मुरादाबाद से लाए हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की नगर पंचायत पाकपड़ा से हम यहाँ पर जो है सामान लाए हैं। हाँ, स्टील का, ठीक है, जिसको हम दे रहे हैं हर किसी व्यक्ति को, यानी कि हर किसी ग्राहक को मात्र 100 रुपये में, और ये बहुत करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक से 1000 गुना बेहतर है। अच्छा, कौन सा वाला, कौन सा वाला, सारा जितना भी ये है यहाँ पर। अच्छा, जो है मैं आया फिर यहाँ के, मैंने ये पर्वत देखे मैंने, जिसको हम पहाड़ कहते हैं, तो हमने इसको देखा तो काफ़ी, देखकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की जो नया पानी पीने को मिला, जैसे हम फ्रिज में पानी पीते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, यहाँ हमें बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी, ऐसा पानी जिसमें जो है जो हमारी बीमारी भगाने के लिए काफ़ी लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, जिससे हमारी बीमारियाँ बआसानी दूर हो जाएँ। यहाँ की फिज़ा जो है, यहाँ की जो हवा है पवन, बहुत ज़्यादा ठंडी है। वाकई जब हवा हमारे इस शरीर को, बदन को, इस तन बदन को लगती है, बॉडी को लगती है, तो वाकई एक अच्छा फील होता है। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है इस वक्त। अगर बात की जाए तो वहाँ पर किसी शख्स ने, बल्कि काफ़ी सारे शख्स ने ये कहा कि यहाँ पर तेंदुए आते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे जो पीछे भवन है, एक पता नहीं किसका भवन है, इसी में अपना मैंने रुकने का इंतज़ाम किया, और जिससे कि मुझे रात में जब लोगों ने बताया तो मैं उससे बहुत ज़्यादा भयभीत था, इसी वजह से एक रात मैंने यहाँ पर गुजारी, जिसके कारण मुझे कि भाई जो लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं ना, उनका भी अपनी पसंद होती है, तो किसको क्या पसंद आता है। जब हमने मासी जो ग्राम है वहाँ पर हमने लोगों से पूछा था, तो लोगों ने कहा कि एक अच्छा मेला होता है, ये काफ़ी दिनों से जो है ना रुक गया था, ये पिछले वर्ष लगा है, ये कहने लगे इस वर्ष बहुत अच्छा होगा। पर हाल उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जितना भी होगा इसी में हम खुश रहेंगे और अगले वर्ष आने की कोशिश करेंगे। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि मनी अभी हमने गिनी नहीं है। हाँ, आराम से गिनना, आराम से गिनना, ठीक है। तो चलते हैं, और अच्छा लगा कि तुमको यहाँ की आबो हवा अच्छी लगी, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो दोस्तों मुरादाबाद से आए हुए हैं वो, और सामान लेकर के आए हुए हैं, तो अपने सामान की जो तारीफ करे थे, लेकिन यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, तो उनको क्या पसंद आई ये उनकी मर्जी है, क्या वो ख़रीदना चाहें और क्या ना ख़रीदना चाहें। और दोस्तों गोलू भाई हमारे जो है फिर इधर लगे हुए हैं, और क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, कह रहे हैं वो मैं वाकई लेट हो गया था, मेरा तो प्रोग्राम बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो मेरे फ़ोन आ रहे थे इधर उधर से, तुम जा नहीं रहो, बना नहीं रहो वीडियो, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो हमारे गोलू भाई लगे हुए हैं, और जलेबी वगैरह अभी तो मिल ही जाएगी गोलू भाई। हाँ, तो दोस्तों मैं आगे तक लगा करके आता हूँ एक राउंड, और जलेबी भी लूँगा। तो गोलू भाई जलेबी रखे रहना है। हेलो, हाँ, तो चलिए आपको आगे ले करके चलता हूँ अभी, और पापा घर पे दूसरा नंबर है, नंबर दे दो, बात तो तुम्हें कर रही थी। हाँ,
तो दोस्तों अभी मेला जो है आज का समाप्त हो चुका है, उधर प्रोग्राम वगैरह भी हुए होंगे, लेकिन पिछले बार क्योंकि मैं पिछली बार जल्दी पहुंच गया था, पिछली बार ज़्यादा बेहतर लग रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा दोस्तों टिक्किया वगैरह नैनीताल में ही खाया करते थे, और यहाँ भी गोलू भाई की देखा कि टिक्की वगैरह का इन्होंने करा है, मुँह में पानी तो आ रहा था, लेकिन अब टिक्किया ख़त्म है, अब कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, अब सिर्फ जलेबी है और वो भी बन रही है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, फिर मैं बढ़ूँगा आगे। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म जो है जलेबियाँ यहाँ बन रही हैं, ये मिलेंगी हमको अगर नंबर हमारा आ जाएगा तो, अभी बहुत सारे लोग हैं, ये बच्चे लोग इधर सब लगे हुए हैं, ये इंतज़ार पर है, लाइन पर है, ये अच्छा ईड़ा के बच्चे हैं, ये सब हमारे पे अपना करता चंद पे, हाँ ईड़ा बारा खान जालीली सब, ये हमारे मुगोटी है समझो, हाँ तो दोस्तों मैं आया था अपने व्यूवर्स के स्पेशल आग्रह पर बिल्लेश्वर महादेव मंदिर जालली के पहुँच और मेले में, तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। कैमरा तो इधर को लगता है, और फिर